Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number 1,39, and we're going to see that is your reaction aligned with your values? अब हमारे actions, हमारे reactions, हमारा value system, हमारे emotions, यह सब चीजें हैं जो हमें जिंदगी करते And we have to be careful about these things. Ab jab hum apne emotions को further investigate करेंगे. तो रिमेंबर के हमारे वैल्यूज़ एंड आर ऑलवेज विद अस और जब वैल्यूज एंड इमोशंस आर ऑलवेज विद अस तो वी हैव टू सी कि हमारी वो डीपेस्ट वैल्यूज़ क्या हैं कि जो हमें मुतासर कर रही हैं डिसीजन मेकिंग में क्रिएटिविटी में और जिंदगी के तमाम तर प्रस्पेक्टिव में कि जब हम अपने स्टेक होल्डर के साथ ताल्लुक में हैं जब हम दूसरों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमारी वैल्यूज हमें कैसे गाइड और डेवेलप और ट्रेन वो करती हैं Another thing that we have to understand in the field of emotions and values is basically related with that our emotions are guiding principles for us. And obviously, values and our emotions ko support or promote. Wo kar rahi Another thing that we have to understand is that our emotions and obviously our values, these two things together are priorities of life. What is What are our हमारी क्या तो हैं एक्सपेक्टेशन एंड प्रिटीज उसमें हरारकी क्या है ये तमाम चीज़ें डिफाइन होती हैं हमारे वैल्यू सिस्टम से और हमारे इमोशंस से अगली बात याद रखिएगा कि जब हम इमोशंस एंड वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो हमारी इमोशन एंड वैल्यूज आर गोइंग टू गाइड अस टू वर्ड्स अवर डिसीजन मेकिंग बिकॉज डिसीजन मेकिंग में भी जब आपने आल्टरनेटिव इकट्ठे करने हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम तो उस वक्त आपके आल्टरनेटिव की प्रयोरिटाइजेशन

एग्जाम्पल आप ब्रैशली किसी को बताओ कि हैव टू कंट्रोल से करना चाहते हो लेकिन किसी भी ट्रिगर की वजह से यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू बिकेम हार्श सो ये दो चीजें तजाद में हैं जो कि आपको इफेक्ट वो करेंगी इसी तरह आप एक कंफर्टेबल जॉब में काम कर रहे हो लेकिन दरअसल आप एक एंटरप्रन्य बनना चाहते थे आप

इन तमाम चीजों के बावजूद यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग द रीजन बींग आपने अपने लिए रुकावटें खुद खड़ी कर रखी हैं अपने आप को खुद तनकीद का निशाना वो बनाकर और वह तनकीद भी शायद सिर्फ बरा तनकीद है उसका कोई आउटकम पॉजिटिव परस्पेक्टिव वो शायद नहीं है दैट इज द रीजन के इन तमाम एग्जाम्पल से हम जो वाजिया करना चाह रहे हैं कि आपके वैल्यूज आपके इमोशंस आपकी अपनी फीलिंग्स अपने बारे में ये सब चीजें हमें गाइड करती हैं इन द लाइफ डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि हमारी वैल्यूज और हमारे इमोशंस ये हमें गाइड करते हैं टूवर्ड्स राइट डिसीजन ये हमें गाइड करते हैं इन चूजिंग अवर राइट कैरियर सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट डिफाइनिंग अवर इमोशंस एंड द वैल्यू सिस्टम थैंक यू